हेलो बच्चों, मैं हूँ सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर आप लोगों का जैव प्रक्रम पोषण के बारे में बात करने वाला हूँ। बच्चों तो पोषण क्या है और जैव प्रक्रम क्या है इसको पहले हम लोग स्पष्टता समझ लेंगे, उसके बाद चैप्टर्स में एक एक बात को फोकस करेंगे। हालांकि जैव प्रक्रम और पोषण ये भी आपके चैप्टर में क्वेश्चन बना हुआ है। बच्चों सबसे पहले बात आप कर लो, चूंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव, जीव विज्ञान। ये बायोलॉजी जो है आपका जीव विज्ञान से जो रिलेटेड है, तो उसमें जीव जीव किसी भी जीव का निर्माण कैसे होता है, तो आप जान लो कि हमारे अंदर जो है सबसे छोटी का एक कोशिका है, कोशिकाओं के समूह से बन जाता है उत्तक, सेल सेल से बन गया टिश्यू, फिर वो उत्तक से आपका अंग और उन अंग से फिर अंग तंत्र और फिर सारे अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण होता है। बात को ध्यान समझिए बच्चों, कोशिका हम लोग का जो इतना बड़ा बॉडी हम लोग का बना हुआ है, या अन्य कोई जीव है, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली कोई भी जीव हो, सारे का शरीर जो बना हुआ है, जीव जो उसके अंदर आया है, तो सबसे पहले कोशिका है। कोशिका का बहुत सारा समूह, आप कोशिका को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो बच्चों, कोशिकाओं का ढेर सारा समूह मिलकर बनता है उत्तक, और उत्तक से फिर आपका हो जाएगा अंग अंग तंत्र और फिर उससे जीव का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं पहले बच्चों की जैव प्रक्रम पोषण या जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको आप ध्यान से देखें। वैसी सभी क्रियाएं, वैसा सारा काम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण चूंकि थोड़ा सा हिंदी वर्ड भारी है, आप इसका अंग्रेजी बढ़िया समझिए बच्चों, अंग्रेजी इसका मेंटेनेंस होता है। तो ऐसी सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, उसका अनुरक्षण होता है, वो आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। आप भी एक जीव हो, आसपास आप बहुत सारे जीवों को देखते हो, उनके मेंटेनेंस के लिए वे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। अब मान लीजिए जैसे सोना, सोना बहुत जरूरी चीज है बच्चों, हम लोग नहीं सोएंगे, अगर आप दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन नहीं सोते हैं तो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, आप एक तनाव के शिकार हो सकते हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वो हमारे मेंटेन के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, हमारे अनुरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी जीवों की क्रियाएं हैं, हम में हो या फिर कोई अन्य जानवरों में क्रियाएं हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्रियाएं हैं जिससे वो अपना मेंटेनेंस कर सकता है। तो आप डेफिनेशन जैव प्रक्रम बता सकते हो, वैसी सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है या जीवों का मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो परिभाषा क्या स्पष्ट जैव प्रक्रम की बच्चों, वैसी सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, वो आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। वो अपना खाके मेंटेन करते हैं, अपना सोते हैं, और ये बहुत सारी क्रियाएं सुबह से लेकर रात तक 2400 घंटाएं, जो 2400 घंटा जो क्रिया होती रहती है बच्चों, वो आपकी जैव प्रक्रम कहलाती है। तो परिभाषा बहुत आसान है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या मेंटेनेंस होता है, वे जैव प्रक्रम कहलाती है। अब बात हम करते हैं बच्चों, इसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जिसके द्वारा अपना मेंटेन करते हैं वो जैव प्रक्रम हुआ, जीव जिसके द्वारा अपना मेंटेन करता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। अब बात करता हूं मैं बच्चों पोषण की, ऐसी विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, ऐसी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। अब बच्चों जैसे मान लो हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, आप नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, फल खाते हो, दूध मांस मछली अंडा आप जो भी खाते हो, ये आप अपने पोषण के लिए, आप अपने आप को पालने के लिए, हम अपने आप को पालने पोषने के लिए जो पोषक तत्व को अपने अंदर ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वो आपका पोषण के तहत आएगा। तो ऐसी विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करके और फिर उसका उपयोग करता है। आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं बच्चों, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप तुरंत एक ग्लास जूस पी लीजिए, आपके अंदर वो एनर्जी पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो जूस जो भी फल का जो भी फ्रूट्स का जूस है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, आप फिर उससे अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। तो
पोषक तत्व को आपने ग्रहण किया, आप उसे पी लिए, या फिर कोई खाना आप खाते हैं, आप खाना खाकर अपने शरीर का मेंटेन करते हैं, तो वही काम या ऐसी विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके, पोषक तत्व को अपने अंदर लेकर उसका उपयोग करता है, वो आपका पोषण कहलाता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ जैव प्रक्रम और पोषण को आप समझ गए होंगे। मैं फिर से कह देता हूँ, जैव प्रक्रम मतलब होता है ऐसी विधि या फिर ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना खुद का मेंटेन करता है, अनुरक्षण करता है, वो आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। और पोषण का तात्पर्य ऐसी विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, वो आपका पोषण कहलाता है। अब बात है कि पोषण होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के पोषण होते हैं। तो पोषण बच्चों जीवों में पोषण दो विधि के द्वारा होता है। पोषण जो होती है वो दो विधि के द्वारा, किस किस विधि को तो आप यहाँ ध्यान देंगे। पोषण आपकी दो विधि है, एक है स्वपोषण और एक है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है कि स्वपोषण और परपोषण है क्या, पहले आप इसको समझ लीजिए। स्व मतलब होता है स्वयं से, जो अपना पोषण स्वयं करे वो स्वपोषण हो गया। और उसके बाद पर मतलब होता है बच्चों पराया, दूसरे को बोलते हैं पराया पोषण, यानी दूसरे से जो पोषण प्राप्त करे वो परपोषण हुआ। बच्चों पेड़ पौधे की बात करते हैं, ये पेड़ पौधे जो बच्चों होते हैं, ये पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन को तैयार करते हैं और उसके बाद इसमें फल लगता है। तो ये अपना पोषण स्वयं करता है, ये किसी से हेल्प नहीं लेता, किसी की मदद नहीं लेता है, ये अपना पोषण स्वयं करता है, तो ये स्वपोषण स्वपोषी कहलाएगी। और इसको स्वपोषण के तहत एग्जाम्पल्स में रखेंगे। जो अपना पोषण स्वयं करे वो स्वपोषण, और परपोषण जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो वो परपोषण कहलाता है। हम लोग अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर है बच्चों, हम लोग परपोषण के तहत आएंगे। तो जो अपना पोषण स्वयं करे वो स्वपोषण, और फिर जो दूसरे पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है वो परपोषण। मैं दोनों का डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों, आप उसे उतार लें और उसको ध्यान में रखें। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस मस्तिष्क में रखना है बच्चों। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि स्वपोषण और परपोषण है क्या। हालांकि मैंने आपको हल्का सा समझाया था, बट आप डेफिनेशन देखकर अच्छे तरीके से इसको मस्तिष्क में रखें। स्वपोषण, स्व मतलब अपना, ये स्व मतलब होता है स्वयं से, अपने से। पर मतलब होता है पराया, आपको वर्ड ही आंसर दे रहा है बच्चों। स्वपोषण, अपने से जो पोषण करे स्वपोषण, पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर रहकर पोषण प्राप्त करे पर पोषण। परिभाषा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वह स्वपोषी कहलाता है। पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चों वो अपना भोजन स्वयं कर तैयार करते हैं। यहां जैसे में आप हरे पेड़ पौधे का एग्जाम्पल दे सकते हो, हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मैं स्पष्ट कर दूंगा बच्चों, ये भी क्वेश्चंस अब आने ही वाली है। तो पहले मैं स्पष्ट करता हूँ स्वपोषण क्या है। तो आप याद कीजिएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, दूसरे पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन वो स्वयं तैयार करते हैं, वह स्वपोषी कहलाता है। और ऐसा पोषण आपका स्वपोषण कहलाता है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वह विधि या ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो आपका स्वपोषण के तहत आता है। ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, वह आपका स्वपोषण कहलाएगा। और परपोषण बच्चों वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। पर मतलब पराया, मैंने बताया ही था बच्चों, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर
निर्भर रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं, वो परपोषण हो जाएगा। चाहे वो स्वयं मनुष्य हम लोग हों या फिर घोड़ा हाथी कुत्ता बिल्ली कोई भी जीव हो, वो जो दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करा वो आपका परपोषण के तहत आएगा। परिभाषा बहुत आसान है बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से आप देख लें बच्चों, स्वपोषण ऐसे जीव जो अपने पोषण जो अपना पोषण स्वयं करता है, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वह स्वपोषण, और ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है वो परपोषण कहलाता है। अब मैं आपसे परपोषण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके इसको ध्यान से देख लें बच्चों, बहुत ही आसान है। तो बच्चों अब बात होगी परपोषण की। परपोषण जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताया था बच्चों कि दूसरे जीव पर जो निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है वो परपोषण कहलाता है। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, एक मृत जीवी और एक परजीवी और एक प्राणी संपोषण। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। आप तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले समझ ले बच्चों कि मृतजीवी पोषण क्या हुआ, क्या है मृतजीवी। जैसा कि नाम से अस्पष्ट होता है, मृत मतलब बच्चों होता है मरा हुआ, जीव मतलब होता है जीव, मरा हुआ जीव, पोषण मतलब पोषण, मरा हुआ जीव से जो पोषण प्राप्त करता है वो मृतजीवी पोषण, जो कि क्वेश्चन में ही बच्चों आपका आंसर छुपा हुआ है। मरे हुए जीव से जो भोजन प्राप्त करता है वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। अब मरे हुए जीव से भोजन कौन प्राप्त करता है बच्चों, आप स्पष्ट समझे। मान लीजिए कि कोई जीव बच्चों आपके आसपास कुत्ता बिल्ली कुछ भी मर गया, आप उसको उठाकर पीछे फेंक दिए, पीछे वाले गड्ढे में फेंक दिए, दो से तीन दिन चार दिन बाद उसमें से जबरदस्त गंध आने लगती है बच्चों, और आप उधर से गुजरते हो तो ऑटोमेटिक आपका हाथ कहीं भी रहता है नाक पर चले आता है, क्योंकि वो सड़ना शुरू आता है और सड़ते ही उसमें से बदबू आने लगती है। आपको मालूम है बच्चों वो सड़ाने का काम कौन करता है, सड़ाने का काम बच्चों सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो होते हैं कवक बैक्टीरिया वगैरह, वो उसको सड़ाने का काम करता है। वो जो सूक्ष्म जीव है बच्चों उसमें लगकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। वो मरे हुए जीव से, कोई पेड़ पौधा अगर मान लो बच्चों मर गया है वो सड़ रहा है उससे अपना भोजन सूक्ष्म जीव प्राप्त कर रहा है, कोई जानवर मर गया है उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, यानी मरे हुए जीव से जो भोजन प्राप्त करता है आपका वो आपका मृतजीवी पोषण कहलाता है, और इसमें बच्चों बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं और पौधों के शरीर से, मैंने बताया था ना बच्चों कि मरा हुआ कोई जीव है, मरा हुआ कोई पौधा है, उससे जो पोषण प्राप्त करता है अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। अगर आप इसको इतना याद नहीं करते हो तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, वो आपका मृतजीवी पोषण कहलाता है। आप शॉर्ट कोर्स भी याद कर सकते हो बच्चों, ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। बस अपना भोजन के बाद आप याद कर लोगे प्राप्त करता है, वो आपका मृतजीवी पोषण कहलाएगा। ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं से, मरे हुए जीव से, मरे हुए पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करे तो वह आपका मृतजीवी पोषण कहलाता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। आप नहीं समझे तो फिर ध्यान से सुन लो, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये मेरा हैंड है, ये हाथ है बच्चों, इसमें बहुत ही साफ, मैंने तुरंत स्नान किया है, बहुत ही साफ है, लेकिन मालूम है बच्चों इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिसे हम नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो वो वही सूक्ष्म जीव के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, बैक्टीरिया कवक वगैरह वगैरह के बारे में। तो ऐसे छोटे छोटे जीव यानी जो
बिल्कुल नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो आपको मालूम ही होगा। मृतजीवी पोषण की बात करूंगा तो ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है, मरे हुए जंतुओं से और मरे हुए पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो मृतजीवी कहलाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं परजीवी की। परजीवी पोषण का मतलब होता है बच्चों जो दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। मैं उसका डेफिनेशन लिख के बच्चों आपको समझाता हूं। हाँ तो बच्चों अब मैं बात करता हूं परजीवी पोषण की। परजीवी पोषण इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ कुछ स्पष्ट हो गया था बच्चों कि ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है परजीवी पोषण कहलाता है। इसमें जीव क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, पूरी तरह से भी निर्भर रहता है, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निर्भर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो आपका परजीवी पोषण कहलाएगा। जैसे कि आपके शरीर के अंदर कृमि, ये पेट के अंदर बच्चों गोल कृमि फीता कृमि वगैरह जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर आराम से रहती भी है, भोजन भी प्राप्त करती है, आवास यानी घर भी उसका हो गया बच्चों, पूरी तरह से निर्भर है, ये अस्थायी रूप से हमारे शरीर के अंदर है। और कुछ ऐसा भी जीव है जो अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त कर लेता है फिर चले आया बच्चों। तो ऐसा जीव जिसमें ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है वो परजीवी पोषण कहलाएगा। क्या आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो, ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर उससे अपना मेंटेनेंस करता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, वो आपका परजीवी पोषण कहलाएगा। क्या बोलोगे बच्चों, ऐसा जीव जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, वो आपका कहलाएगा परजीवी पोषण। अब बच्चों ये तो आप समझ ही गए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कशन पर पोषण में हो गया था। प्राणी सम के बारे में बात करते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, वह प्राणी सम पोषण कहलाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप मेरा छोटा सा प्रयास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप इसे लाइक श्योर करें और शेयर सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका शेष भाग मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा बच्चों। थैंक यू।